नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 18 अगस्त। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना पाएं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इसका सही जवाब है मोनिका नेगी ने। दोस्तों वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन इस वर्ष कनाडा में किया गया। इन गेम्स का आयोजन हर 2 साल में एक बार करवाया जाता है, जिनमें दुनिया भर के देशों के पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट और फायर सर्विसेज के पर्सनल हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन कैलिफोर्निया बेस्ड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन द्वारा करवाया जाता है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मोनिका नेगी, जो कि आईटीबीपी में कार्यरत है, उन्होंने इन गेम्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह मेडल उन्होंने 81 किलो भार वर्ग में हासिल किया और वह रामपुर के ननखेड़ी से संबंध रखती हैं। इसी के साथ आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के काला जीरा उत्पादक संघ को किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इसका सही जवाब है प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से। दोस्तों जय अवार्ड हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के शोंग गांव के काला जीरा उत्पादक संघ को काला जीरा की खेती के लिए दिया जाएगा, जो कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आने वाले प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में काला जीरा की खेती लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में की जाती है। सन 2019 में भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के काला जीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया था। हालांकि काला जीरा व्यापक रूप से जंगलों में उगाया जाता है, लेकिन इसे अब खेती करते हुए भी तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में किन्नौर के शोंग गांव में लगभग 47 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाए गए हैं। तो इसका सही जवाब है 23, यानी कि 23। दोस्तों ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम, जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिकली वेदर फोरकास्टिंग करता है और डाटा को आगे सेंड करता है। दोस्तों इसके लिए हमें किसी प्रकार के बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें जहां जरूरत है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे हम रियल टाइम डाटा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इन ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम पे पावर सप्लाई के लिए सोलर पैनल और बैटरी की सुविधा मुहैया करवाई होती है, जिससे हमें इन्हें किसी भी प्रकार के इंटीरियर से इंटीरियर एरिया में इजीली इंस्टॉल करके डाटा एक्सेस कर सकते हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कुल 23 ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं, परंतु हाल ही में हुई आपदा की वजह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऐलान किया है कि इन ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि हमें वेदर फोरकास्टिंग का मोर एक्यूरेट डाटा मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।